हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अगले दो दिन हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले दो मजदूरों की हत्या कर दी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर फ्रंटल ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। इतना ही नहीं, आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को घाटी छोड़ने की धमकी भी दी है। वह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन से आतंकी बौखला गए हैं। ऐसे में आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। युजवेंद्र चहल पर जातिगत टिप्पणी करने के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ देर बाद ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यूबी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। युवराज सिंह ने पिछले साल लॉकडाउन के समय जातिगत टिप्पणी की थी और लॉकडाउन के समय इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने युजवेंद्र चहल के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद युवराज सिंह ने बयान पर खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मैं किसी भी तरह के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम रफ्तार पकड़ने लगा है। गांव-गांव में जनसभाओं के बाद अब रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इलाहाबाद के गांव कागदाना में आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बीजेपी और जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। क्षेत्र में सीएम की रैली से पहले पार्टी के बड़े नेताओं को मौजूदगी में प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है। गांव कागदाना में गठबंधन की पहली रैली को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह संबोधित करेंगे। वह बीजेपी चुनाव प्रभारी सुभाष बराला, सांसद सुनीता दुग्गल, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी रैली में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सुल्तानपुर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से हर हित स्टोर्स का उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि फिलहाल इन स्टोर्स की संख्या 71 रखी गई है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में इस तरह के 5000 स्टोर्स और शहर और गांव में दोनों जगह पर खोले जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार लोगों के रोजगार को लेकर चिंतित है। हर परिवार को चिन्हित कर विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में एमडीसी सेक्टर 5 में पहले हर हित रिटेल स्टोर का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी विमला गुप्ता और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला के बोर्ड के निदेशक श्यामलाल बंसल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई देते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का हमेशा प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। वहीं सीएम ने रविवार को लोगों को राहत देने की घोषणा की है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही 16 रिहायशी कॉलोनियों को मीटर मिलने शुरू हो जाएंगे। कनेक्शन मिलने के लिए एक पॉलिसी तैयार की गई है ताकि जिन लोगों को बिजली के कनेक्शन मिलने में दिक्कत आ रही है उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जा सके।
वहीं गुड़ियाखेड़ा में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के चुनावी प्रचार के दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अजय चौटाला ने कहा कि चुने गए विधायक ने दो साल में ही इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर आप लोगों को चुनाव में झोंक दिया। चौटाला ने इनेलो पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देकर इनेलो प्रत्याशी के घमंड को चकनाचूर करने की अपील की। वहीं गुड़ियाखेड़ा में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और अपने भाई और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार किया। गोपाल कांडा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार सत्ता में है, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें और विजयी बनाएं। उन्होंने गोविंद कांडा के जीतने पर 3 साल में 30 साल से ज्यादा विकास करवाने का भरोसा दिया। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गुड़ियाखेड़ा गांव में विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के स्वागत में सैकड़ों युवाओं ने बाइक से उनकी अगुवाई की। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। एचएल पे सुप्रीमो गोपाल कांडा ने अपने निवास पर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान गोपाल कांडा ने सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही उनकी सभी समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गोपाल कांडा ने जन समस्याओं को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि वो इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत इलाहाबाद के अरनिया वाली गांव से की, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान नेहरा परिवार समेत गांव के कई परिवारों ने उन्हें जीत के लिए समर्थन दिया और जीत का भरोसा भी दिलाया। गोविंद कांडा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो सम्मान उन्हें लोगों से मिला है उसे याद रखेंगे और विकास के रूप में वापस लौटाएंगे। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में जुटे हैं। गोपाल कांडा अपने भाई और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रचार अभियान के दौरान गोपाल कांडा अरनिया वाली गांव पहुंचे, जहां लोगों ने बाजे के साथ गोपाल कांडा का स्वागत किया। गोपाल कांडा के साथ जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला भी प्रचार में मौजूद रहे। गोपाल कांडा और अजय चौटाला ने गांव में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं गोपाल कांडा और अजय चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इलाहाबाद हल्का लंबे समय से विकास का इंतजार कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत के बाद 3 सालों में 30 सालों का विकास होगा। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा नीमला गांव पहुंचे, जहां एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान गोविंद कांडा ने विपक्षी प्रत्याशियों पर जमकर हमला बोला और लोगों से वोट देने की अपील की। इलाहाबाद उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने जहां एक तरफ अपने समर्थन में वोट मांगे तो वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला के वायरल हो रहे वीडियो में आए बयान पर उन्हें घेरते हुए पवन बेनीवाल ने कहा कि वो कब्जा करने वालों के सरदार हैं। अभय के घर रोज सीबीआई की रेड पड़ती है। वहीं पवन बेनीवाल ने कहा कि अभय ने लोगों की मेहनत की कमाई को लूटकर अपने लिए काला धन जुटाया है।
वहीं गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर के अध्यक्ष रवि शर्मा ने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा में शिरकत की, जहां विधायक सुभाष सुधा ने रवि शर्मा और उनकी टीम का जोरदार स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष रवि शर्मा ज्योतिषर में स्थित गीता कुंज मंदिर में भी गए, जहां पूजा अर्चना की और ज्योतिषर के दर्शन भी किए। वह मंदिर की ओर से जो सम्मान मिला है उसे वापस लौटाने की बात भी कही गई। अध्यक्ष रवि शर्मा शोभा यात्रा में शामिल हुए। बता दें, हर साल गीता जयंती शोभा यात्रा ज्योतिसर से ही शुरू की जाती है, इसके बाद जालंधर सहित पूरे देश में गीता के संदेश को पहुंचाते हैं। विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर की ओर से पिछले 48 वर्षों से लगातार गीता जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के साथ ही फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 को जाने वाली रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होंगे। फरीदाबाद शहर आरएमसी सड़कों के साथ सीवर और लाइट से जगमगा उठा। इस दौरान मंत्री ने ठेकेदार और अधिकारियों को साइट पर जाकर दौरा करने और कार्य में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सिंघू बॉर्डर पर हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि दलित की हत्या पर विपक्ष मौन रहकर दोहरा मापदंड अपना रहा है, आखिरकार लखीमपुर की घटना को जोर शोर से उठाने वाले अब चुप क्यों हैं। वे मनेठी में एम्स निर्माण पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स निर्माण पर सरकार की नियत बिल्कुल साफ, प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द एम्स का शिलान्यास होगा। एसयू की प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हो चुकी है। किसानों के मुआवजे को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि किसानों की सोसाइटी बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को भूमि का मुआवजा दिया जाएगा, किसानों के खाते में पैसे डालने के बाद ही भूमि की रजिस्ट्री होगी। वहीं चार दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, वहीं डीजल की कीमत में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। वहीं प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। इनमें से 8 नए मरीजों की पहचान गुरुग्राम में हुई है और 2 नए मामले फरीदाबाद और पंचकुला से सामने आए। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। रेवाड़ी जिले में डेंगू के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में रविवार को डेंगू के 10 नए मामले सामने आए। वहीं जिले में डेंगू से अब तक एक बच्चे समेत 2 की जान जा चुकी है। वहीं विभाग की ओर से डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लैब को भी 24 घंटे खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं जिले में फॉगिंग की गति धीमी चल रही है। हालांकि विभाग का दावा है कि जहां केस निकले हैं वहां फॉगिंग के साथ ही गांव में भी फॉगिंग करवाई जा रही है। गोहाना के गांव भावड़ में दिव्यांग पेंशन बनाने में एक फर्जीवाड़ा सामने आया था। समाज कल्याण विभाग को फर्जी पेंशन धारकों से कितनी राशि की रिकवरी करनी है यह जानकारी आईटीआई में अलग अलग दी गई है। कुरुक्षेत्र में रविवार रात उपमंडल शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक निजी होटल के सामने एक प्राइवेट बस में महिला की डिलीवरी हो गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि महिला और उसका परिवार और एक प्राइवेट बस से बिहार जा रहा था कि रास्ते में महिला को अचानक दर्द हो गया था। बस चालक ने नेशनल हाईवे के साइड में निजी होटल के सामने बस को रोक दिया, जहां पर महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। वहीं गीता की जन्मस्थली और तीर्थों की संगम स्थली कुरुक्षेत्र में अब तीर्थ यात्री दोपहर दोबारा से 48 कोस के 16 तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। कोरोना महामारी से राहत के बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने 48 कोस तीर्थ परिक्रमा बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि कोरोना काल के कारण यह बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। अब पर्यटकों के आगमन का भी समय हो गया है। वहीं जींद में प्रिंस नामक एक युवक की हॉरर किलिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की ने उनके साथ उनके बेटे को टेलीफोन करके मिलने के बहाने बुलाया और फिर लड़की के परिजनों ने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में युवक की मां की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। वहीं करनाल में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ केस दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस ने मृतक को रिमांड पर लिया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी ने बताया कि इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर भी लिया था, लेकिन इस दौरान अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगा, जिसको लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। करनाल के सिरसी गांव के समीप एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रात के समय कंबाइन सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान ट्रक ने पीछे से कंबाइन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला सहारनपुर सड़क मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, जिसमें तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड से आ रहे ऑटो और मोटरसाइकिल से टकरा गए।
जिससे एक 3 साल के बच्चे सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने तुरंत सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या मामले में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया। वही शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर किया। वह मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति के चलते 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के अधिकारियों ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में अत्यधिक भारी नुकसान का जायजा लिया है। वह केरल में बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। केरल के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 11 हो चुकी है। केरल में हो रही भारी बारिश और बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में होने वाले महामुकाबले में कुछ ही दिन बचे हैं। पाकिस्तान की टीम UAE पहुंच गई है और भारत की टीम पहले से ही वहां पर मौजूद है। वह इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने मान लिया है कि G20 वर्ल्ड कप में होने वाले 2 देशों के बीच इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है। वह पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने माना है कि दोनों टीमों के बीच होने वाले हाई प्रेशर वाले मैच में भारत का पलड़ा भारी है। उनका कहना है कि भारत के खिलाड़ी काफी दिनों से UAE में हैं और IPL खेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें कंडीशन और बड़े मैच में प्रेशर झेलने के अनुभव का फायदा मिल सकता है। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो गई है। यह टूर्नामेंट 29 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 16 टीमों के बीच 45 मुकाबले खेले जाएंगे और इसका फाइनल 14 नवम्बर को खेला जाएगा। पहले ग्रुप में आयरलैंड, निम्बिया, नीदरलैंड्स और श्रीलंका की टीम आपस में खेलेगी, जिसमें शीर्ष की 2 टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी। वहीं दूसरे ग्रुप बी में बांग्लादेश, ओमान, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड की टीम शीर्ष 2 स्थानों के लिए आपस में भिड़ेंगी। इसके बाद सुपर 12 के राउंड में इसकी शुरुआत होगी। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के अलावा ग्रुप 1 की नंबर 1 टीम और ग्रुप 2 की नंबर टीम भी शामिल होगी। ग्रुप 2 में भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ग्रुप 2 की नंबर 2 टीम और ग्रुप 1 की नंबर 2 टीम हिस्सा लेगी। शुरुआती राउंड से 2-2 टीमों में सुपर 12 राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद एक खिताबी मुकाबला होगा। वहीं सुपर 12 का राउंड 23 अक्टूबर से शुरू होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। वहीं 10 और 11 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबला होगा। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा।